डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, एक डायग्राम है जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। देखो, डाइपोल मैंने कंसीडर किया है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है 2L, और ये जो पॉइंट मैंने P लिया है इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल। ओके, सो मैंने सेंटर से प्लस क्यू का डिस्टेंस लिया है एल, और सेंटर से माइनस क्यू का डिस्टेंस लिया है एल, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है मैंने कंसीडर किया है आज आर। सो प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मैंने उसको लिया है ई प्लस क्यू सबस्क्रिप्ट। ओके, माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मैंने उसको लिया है ई माइनस क्यू। और ये आप यहां से देख सकते हो, इस वेक्टर को मैंने थोड़ा छोटा बनाया है और इस वेक्टर को थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है। और आप पूछोगे सर आपने ऐसा कैसे बनाया? देखो, माइनस क्यू इस टेस्ट, क्योंकि ये पॉइंट पी पर हम क्या रखेंगे बेटा, टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्योंकि जब भी फील्ड का कंसेप्ट आएगा या फील्ड का क्वेश्चन आएगा आपको टेस्ट चार्ज लेना है, वरना आप फील्ड का डायरेक्शन नहीं जान पाओगे। क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज होगा तो ये माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस डायरेक्शन में रहेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन भी यहां आएगा। तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है मैंने इसको छोटा लिया है और इसको बड़ा लिया है, क्योंकि ये जो प्लस क्यू और पॉइंट पी मतलब टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है ये बहुत ही बड़ा है। डिस्टेंस बड़ा मतलब फील्ड छोटा, ये आपको पता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है। तो E प्लस क्यू छोटा होगा इन मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है या नहीं? इसका वैल्यू अगर 3 होगा इसका वैल्यू आएगा 5, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है। अगर डिस्टेंस छोटा है तो फील्ड बड़ा होगा, फील्ड बड़ा होगा मतलब 5, और यहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बन गया E प्लस क्यू और ये बन गया E माइनस क्यू। तो नेट फील्ड कितना होगा? आपको पता है, अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर है और एक वेक्टर बड़ा है दूसरा वेक्टर छोटा है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं भाई, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है। तो एक वेक्टर आपका बड़ा है दैट इज ए, और दूसरा छोटा है बी, तो नेट कितना होता है? बड़ा का मैग्नीट्यूड माइनस छोटा का मैग्नीट्यूड, मतलब यहां पर जो नेट आएगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ई नेट जो आएगा वो बड़ा, दैट मींस ई माइनस क्यू, ओके, माइनस ई प्लस क्यू। तो E ड्यू टू माइनस क्यू निकालना है, E ड्यू टू प्लस क्यू निकालना है बेटा। तो E ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा बताओ? E ड्यू टू माइनस क्यू तो कितना होगा? K Q डिवाइडेड बाय, ये जो डिस्टेंस है Q से पॉइंट P, ये आपका L और ये आपका कितना R, मतलब ये हो जाएगा L प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, K Q बाय L प्लस R का होल स्क्वायर। और बात रहा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ई नेट वेक्टर जो होगा समथिंग ई इनटू सम यूनिट वेक्टर। तो अगर आप ये यूनिट वेक्टर को नेगेटिव भी ले रहे हो, मतलब अगर माइनस आई कैप है, तो इसका जब आप मॉड निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ई भी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर कैप का मॉड ए 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। मतलब जब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पर पॉजिटिव है। और ई ड्यू टू माइनस क्यू, सॉरी ई ड्यू टू ये प्लस क्यू, दिस इज ई ड्यू टू प्लस क्यू, ओके, ई ड्यू टू प्लस क्यू, थोड़ा गलती हो गया, ई ड्यू टू प्लस क्यू। ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा के माइनस क्यू, मत लिखना, ये गलती हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप उसका वेक्टरिकली आप देख रहे हो तो प्लस माइनस लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वेक्टरिकली प्लस आई क्या माइनस आई क्या बोथ हो सकता है, बट अगर आप उसका मॉड निकाल रहे हो तो वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो ही है मैग्नीट्यूड। तो ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? के क्यू, वही क्यू रहेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो, ये वाला डिस्टेंस है आर, अगर आर से आप माइनस एल कर लोगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, मतलब आर माइनस एल, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कैसे निकालना है, क्योंकि बिना डिस्टेंस के तो आप फील्ड कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो आर से अगर एल को माइनस कर दूंगा, क्योंकि एल
प्लस इसको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे आर मिलेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आर माइनस एल। अगर ये वाला डिस्टेंस आर से मैं एल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, आर को अगर मैं एल से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट मतलब ये वाला गया, ये वाला गया मतलब ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल गया, क्योंकि एल प्लस समथिंग इज इक्वल टू आर, सो दैट समथिंग इज इक्वल टू आर माइनस एल। तो आर से अगर एल को माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मुझे, ये बड़ा वाला डिस्टेंस है, अगर उसमें से ये वाला माइनस हो गया तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आर में है तो इसको एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको भी आर प्लस एल से लिख लेते हैं। तो नेट फील्ड अब कितना होगा, अब कैलकुलेट करते हैं नेट फील्ड कितना होगा, ये कैलकुलेट करते हैं। देखो ई नेट जो आएगा ये कितना होगा, ई नेट जो होगा के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे ई नेट इज इक्वल टू कितना, के क्यू बाय ओके आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे, अगर के क्यू कॉमन आ जाएगा तो के क्यू कॉमन आ गया, मतलब के क्यू कॉमन दैट मीन्स 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। अभी इसका कोई डायग्राम का जरूरी है क्या, हाँ है, तो इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, यहीं पर कर रहा हूं के क्यू डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस माइनस कितना माइनस 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 हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जो कि कितना है 2ab है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर कट गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 4ab हो जाएगा, ठीक है 2ab 2ab 4ab, तो ये हो जाएगा 4rl, कितना हो जाएगा 4rl, तो ये आपको पता है 4RL, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, तो आंसर कितना होगा, देखो ये कैलकुलेशन अगर तेजी हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू हो जाएगा 4RL, ये वाला हो गया 4RL। तो यहां पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, इस तरीके से के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4RL को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2RL, ठीक है 2 इंटू 2 4 होता है ना, सो 2Q इंटू L, ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था 2QL, ये होता है डाइपोल मोमेंट, तो 2QL की जगह मैं लिख सकता हूं P, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दिस इज 2 और ये K है, K तो रहेगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, तो K इंटू 2 इंटू ये कितना P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर वैक्यूम में है चार्ज तो K का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आपका चार्ज वैक्यूम में है, देखिए इसको मैं रब कर रहा हूं, तो अगर आपका चार्ज वैक्यूम में है तो K का वैल्यू आप पुट करोगे तो E नेट कितना आ जाएगा, K का वैल्यू पुट कर लो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया आपका 2P, क्योंकि आपका P कितना है 2QL, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने कहा था ये जो L है एक्चुअली डाइपोल का मतलब क्या है, अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ये जो 2L है ये बहुत ही छोटा है, ये जो 2L है ये बहुत ही छोटा है, मतलब L जो है 2L का आधा करोगे तब L मिलेगा ना, तो 2L तो बहुत छोटा है, तो 2L बाय 2 क्या होगा और भी छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो L है ये अप्रोक्सीमेटली 0 है, अप्रोक्सीमेटली मतलब टेंड्स टू 0, मतलब अगर आप L को निगलेक्ट कर दोगे, L टेंड्स टू 0 मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये वाला हो जाएगा R टू द पावर 4, तो ये कितना हो गया R स्क्वायर, सो थोड़ा सा गलती हो रहा है आई थिंक सो, E net is equal to 1 by 4 pi epsilon not 2p by R square minus L square का होल स्क्वायर। और यहां पर एक चीज और था जो कि हमने मतलब नहीं लिखा है, जो कि आर था यहां पर, ठीक है गलती हो गया, एक
आर यहां पर मल्टीप्लाई होकर था, ठीक है। सो तो ये कितना हो जाएगा आर टू दी पावर फोर, तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज टू पी बाय आर क्यू, तो ये बन गया आपका ई नेट। अगर वेक्टोरिकली देखोगे, देखो वेक्टोरिकली अगर देखोगे तो पहली बात ई नेट का डायरेक्शन किधर आएगा, आपको पता है बड़ा माइनस छोटा, तो नेट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि स्केलर है, ई नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, मतलब इस डायरेक्शन पर ई नेट आएगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर है, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में आ गया। तो वेक्टोरिकली अगर देखोगे, अगर वेक्टोरिकली देखोगे, वेक्टोरिकली तो क्या होगा, ये जो ई नेट वेक्टर है, ओके, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यू, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि पी वेक्टर और ई नेट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब यहां पर एक प्लस लगेगा बस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो एक माइनस आ जाता जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर आएगा, ओके। सो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन, ये मैग्नीट्यूड था, ई नेट वेक्टर आप लिखोगे तो दिस इंटू यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, पी कैप लिख सकते हो, पी कैप लिखोगे तो यूनिट वेक्टर, तो पी कैप का डायरेक्शन किधर है, पी कैप का डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट वेक्टर भी जो आएगा ऐसे भी लिख सकते हो, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी वेक्टर ऐसे लिख सकते हो ना, ये इतना इंटू पी कैप, और पी कैप का जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, तो पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है पी वेक्टर का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पी कैप, मतलब पी कैप का जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, एक ही बात है ना, पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, पी कैप के डायरेक्शन में, तो पी कैप का डायरेक्शन पी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो पी कैप आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो और ई नेट भी आ रहा है इसी डायरेक्शन में, सो ये उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिखो, जो लिखो वो करेक्ट है। तो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन टू पी वेक्टर बाय आर क्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। सो जो पिछला वीडियो है उसको कंप्लीट कीजिए, और ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तेज हो रहा है तो प्लीज फिर से बार बार इस वीडियो को देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए।